हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे मधुमालती के बारे में, जिसे रंगून क्रीपर भी कहा जाता है और भी तरह के इसके कई नाम होते हैं। यह पौधा मेरे पड़ोस में इतना अच्छा खिल रहा था तो सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। मेन गेट को कवर करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, हमेशा रहने वाला पौधा है, सालों साल आपके साथ रहेगा। ये जो पौधा है 1.5 साल पुराना है और अब देखिए कितना बड़ा हो गया, ये फैलता ही जा रहा है। पूरे समर्स में ये ग्रोथ करता है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। विंटर में थोड़ा रुक जाता है, जैसे ही बाहर का मौसम आता है इसमें पत्तियाँ आ जाती हैं नई और फूल भी आने लग जाते हैं। फूल जो इसके होते हैं पहले सफ़ेद कलर के होते हैं, फिर पिंक होते हैं और फिर रेड हो जाते हैं। ये अभी देखिए, ये अभी पिंक हैं, ये फिर रेड हो जाएंगे। आसपास का एरिया सारा महक जाता है, इतनी शानदार इसकी खुशबू होती है। इसकी हाइट जो है वो 7-8 मीटर से ऊपर चली जाती है, मतलब अगर आपका घर जो है 3-4 फ्लोर का है तो वो उसको पूरा बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। वैसे तो इसको ज़मीन में लगाना ही बेटर है, लेकिन अगर आप चाहें तो पॉट में भी लगा सकते हैं, तो आपको बड़ा पॉट लेना पड़ेगा। और अब तो इसके ड्वार्फ मधुमालती करके भी प्लांट नर्सरी में मिलने लग गए हैं, जो कि आपको 200 के अबव के रेंज में मिल जाएंगे। और इसके छोटे प्लांट भी अवेलेबल होते हैं नर्सरी में, जो कि आपको 20-50 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगे, जो कि कटिंग से रेडी किए जाते हैं। ये प्लांट एक बाहर छोटी सी क्यारी है वहाँ पे लगा हुआ है और बाहर से गेट को पूरा कवर कर रहा है, बहुत सुंदर लगता है। नीचे से ये अपने बेबी प्लांट्स निकालता रहता है, तो आप अगर ग्रो करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड वगैरह को देना चाहते हैं, तो इसका रूट डिविजन भी कर सकते हैं। और इसकी ऐसी थिक ब्रांच से आप इसको एज अ कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और इसको छाया में रखिए, बेस्ट होगा आप बारिश में इसकी कटिंग ग्रो करें या फिर फेब्रवरी में ग्रो करें। बीज बनते तो मैंने इस पौधे में देखे नहीं है, और ये एयर लेयरिंग से भी रेडी हो जाता है। जैसे कि आप इसका कोई भी थिक ब्रांच लीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए, 1 मंथ बाद उसमें रूट डेवलप हो जाएंगे और आपका ये एक नया प्लांट रेडी हो जाए। गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्लांट है ये, आउटडोर प्लांट है, फुल धूप में रहने वाला प्लांट है, कोई ज़्यादा केयरिंग नहीं मांगता ये पौधा, हमेशा रहेगा आपके पास। रफ एंड टफ पौधा है, जितनी बार आप इसको रिपोर्ट करेंगे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। कई पौधे होते हैं, खासकर तो आपको जो गुलाब होता है, रिपोर्टिंग करने पे शौक में चला जाता है, ये बिल्कुल भी शौक में नहीं जाता, बहुत जल्दी खुद को रिवाइव कर लेता है। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो इसको नॉर्मल गोबर खाद दे सकते हो, और ज़मीन में है तो कोई इसको कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो करता रहेगा और इतने सुंदर सुंदर फूल पूरे साल भर आपको देता रहेगा। बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिनमें इतने सुंदर गुच्छों में फूल आते हैं, वो भी 3 तरह के, और देखने में भी इतने खूबसूरत लगते हैं और वातावरण भी सारा महका देते हैं, और इनमें मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। इनके फूल और पत्ते जो होते हैं वो ईटेबल होते हैं, पॉइजनस नहीं होते, तो आपको ये ध्यान रख के लगाना पड़ेगा पौधा कि कोई गुजरता हुआ जानवर इसको खाने ना लग जाए। इसका मेडिसिनल यूज़ कुछ इस तरह से है कि ये डायरिया में, हेडेक, स्किन प्रॉब्लम और सर्दी खांसी जुकाम और भी कई तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं उनमें इसका उपयोग लाया जाता है आयुर्वेद में। इसमें से हल्की हल्की मीठी मीठी महक आती है, जो कि पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे कि मधुमक्खी और छोटी जो चिड़िया होती है और छोटे मोटे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो इस पर बहुत आते हैं, और जब वो आते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।